वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम आपके लिए टॉप जीके के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बहुत अति आप महत्वपूर्ण है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मामीटर से चमकने वाला पदार्थ क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? उत्तर पारा। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? उत्तर नाइक्रोम का तार। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? उत्तर सोडियम। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? उत्तर क्लोरोफिल के कारण। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? उत्तर है क्लोरीन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है आर्गन। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? उत्तर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? उत्तर मंगल ग्रह। किस ग्रह को इवनिंग स्टार शाम का तारा कहते हैं? उत्तर शुक्र ग्रह। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 206। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? उत्तर है एस्पेस्ट। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? उत्तर है इसका सापेक्षित गुरुत्व पानी के गुरुत्व से कम है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? उत्तर सोडियम क्लोराइड। सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? उत्तर है रेडियम। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतक बनाते हैं? उत्तर है तांबा व जस्ता। सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? उत्तर है हीरा। कौन सी गैस हवा में जलती है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? उत्तर है क्लोरीन। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? उत्तर है अल्युमिनियम व निकल। कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में पाया जाता है? उत्तर है अभ्रक। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? उत्तर है रेडियम। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है रूस। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? उत्तर है भारत। विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार कहाँ है? उत्तर है वेनेजुएला। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर दूसरा। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर है दूसरा। फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर है दूसरा। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर है दूसरा। मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर तीसरा। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर है उड़ीसा। मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। दोस्तों वीडियो सुनने के साथ साथ देखते भी रहिए जिससे सारे फैक्ट्स क्लियर हो सके, और ज्यादा बार सुनेंगे जिस आपको याद रखने में आसानी रहेगी।
कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर छत्तीसगढ़। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर है पंजाब। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर तांबा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है टॉलमी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? उत्तर है एडॉल्फ हिटलर। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? उत्तर है चर्चिल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? उत्तर है बारदोली सत्याग्रह। जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। भारत को तलवार के बल पर विजित किया जा गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है? उत्तर है लॉर्ड एल्गिन। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? उत्तर है केसरे हिंद। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सोमनाथ चटर्जी। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? उत्तर है सुनीता नारायण। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गढ़ो वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम अयंगर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952। इसका उत्तर है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? उत्तर है अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? उत्तर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा का गठन कब किया गया? उत्तर है जुलाई 1946। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है प्रथम। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? उत्तर है कर्नाटक। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है 1896 ईस्वी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1924 ईस्वी। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? उत्तर है 1928 ईस्वी एमस्टर्डम में, ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? उत्तर है 1960 ईस्वी से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? उत्तर है 1930 ईस्वी। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? उत्तर है 1934 ईस्वी।
दूसरे राष्ट्रमंडल खेल? एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? उत्तर है 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? उत्तर है इंग्लैंड। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? उत्तर है स्कॉटलैंड। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर है स्पेन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर है मलेशिया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? उत्तर है एरीना। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर है वेलोड्रम। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है कृषि क्षेत्र। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है साहित्य क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? उत्तर है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी 1901 से और अर्थशास्त्र 1969। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? उत्तर है वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है ऑस्कर। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है पुलित्जर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? उत्तर है रमन मैक्सेस पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है परमवीर चक्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? उत्तर है 1995 में। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? उत्तर है 1952 में। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है संगीत क्षेत्र। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर है जैनुल आबदीन। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर है भरतनाट्यम। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर है मोहिनी अट्टम। आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस महत्वपूर्ण, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा का गठन कब हुआ? उत्तर है 13 मई 1952 को। रडार की खोज किसने की थी? उत्तर है R.W. वाट ने। लगातार 2 बार एवरेस्ट विजय करने वाली महिला पहली महिला कौन है? उत्तर है संतोष यादव।
भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है कोट्टायम में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? उत्तर है कांगो। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है लाहौर। किसकी कमी के कारण मधुमेह होता है? उत्तर है इंसुलिन। किन कणों को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? उत्तर है हिग्स बोसान। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है आर्किमिडीज ने। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है इंडिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिटॉन, इनसे इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मुगल काल का एक वास्तुकार कौन था? उत्तर है उस्ताद अहमद लाहौरी। दूध उबालने की स्फूर्त प्रश्यता कितनी होती है? उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्तर है सऊदी अरब। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,232। शिव काशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है आतिशबाजी। कंबन किसके दरबार में थे? उत्तर है कुलोतंग। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट। किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है? उत्तर है गन्ना। किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है? उत्तर है इटली। ब्लैक होल क्या है? उत्तर है तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा। किसमें विटामिन डी पाया जाता है? उत्तर है मछली लीवर तेल में। भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? उत्तर है 1980 में। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। म्यांमार, मालदीव, भूटान व श्रीलंका में कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? उत्तर है म्यांमार। रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है यूक्लिड को। विवेकानंद के गुरु कौन थे? उत्तर है रामकृष्ण परमहंस। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? उत्तर वट बरगद। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? उत्तर है गौतम बुद्ध को। जापान की करेंसी है येन। दोस्तों, वीडियो सुनने के साथ साथ देखते भी रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको और भी नए नए वीडियो लाएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? उत्तर है 1961 से। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? उत्तर पूरन सिंह को। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है?
है सातवीं, भारत का लंबा सुरंग कौन है? उत्तर है जवाहरलाल जवाहर सुरंग। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है शाशाराम। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है मूसी नदी। वायुयान के टायरों में गैस किससे भरी जाती है? कौन सी गैस गैस भरी जाती है? उत्तर है हीलियम गैस। भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उत्तर है सागर सम्राट। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर है एसिटिलीन गैस। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? उत्तर है हान। कुकन कमीशन किससे संबंधित है? उत्तर है तहलका कांड से। डेड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर है घुड़दौड़ से। एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट कौन थी? उत्तर है हरप्रीत आलूवालिया। मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट के किस खिलाड़ी को कहा जाता है? उत्तर है श्रीनाथ को। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? उत्तर है स्वीडन। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उत्तर है शाहजहां। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है नागभट्ट ने। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है लोकेश थानी। विश्व विलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर है विल्सन जॉन्स। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? उत्तर है 1975 में। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर है मुंबई को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर है महादेवी वर्मा। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? उत्तर है मोर्टार। श्रीलंका के पास इसका सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? उत्तर है मोर्टार। श्रीलंका के पास घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तर है पटाना। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? उत्तर है नौका दौड़ से। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत चढ़ाई जाती है? उत्तर है टेफ्लॉन की। मरकत किससे बनता है? उत्तर है बेरिलियम से। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर है नॉर्वेस्टर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? उत्तर है राल्फ फिच। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर है कैपरीन मेयो। देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1920 में। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर है पोलो से। बाटलू किस देश में स्थित है? उत्तर है बेल्जियम। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर अजीत बजाज। पटाखा किस देश की मुद्रा है? उत्तर है मकाऊ देश की। NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ स्थित था? उत्तर है बेलग्रेड में। किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? उत्तर है 20 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय कंपनी डीवियर्स किसके व्यापार से संबंधित है? उत्तर है हीरो के व्यापार से। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर है बालेहुन्नूर कर्नाटक। वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद।
क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? उत्तर है मिस्र की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है? उत्तर है एम हिदायतुल्ला। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है शतरंज। वेरा मैंजिक कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर है शतरंज। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? उत्तर है शतरंज से। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा। संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है वीपी सिंह। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? उत्तर है रूस में। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर को। किस प्रदेश की सरकार द्वारा अपनी धरती अपने लोग योजना संचालित की जा रही है? उत्तर है राजस्थान। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? उत्तर है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को। भारत में उद्योगों की स्थापना, आइए जानते हैं भारत में उद्योगों की स्थापना कब कहाँ हुई। भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज 1820। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली 1853। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी 1967। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाडा जमशेदपुर 1907। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट 1935। भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी 1911। भारत का पहला जूट कारखाना रिसरा कलकत्ता में 1855। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई 1904। भारत की पहली रबड़ की फैक्ट्री बरेली 1955। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।